नगर निगम के कर्मचारियों का असर, हड़ताल का असर अब शहर में दिखने लगा है। शहर में कई स्थानों पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। पटना के एग्जीबिशन रोड और पटना का डाक बंगला चौराहे से रेलवे स्टेशन जाने वाला ये सड़क हम आपको दिखाने हैं, जो चांदनी मार्केट का, देखिए किस तरीके से कूड़े का अंबार लग गया है और पानी हो रहा है, बीमारी फैलने की पूरी आशंका है। और चूंकि आपको पता है कि डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और हालात आप देख सकते हैं किस तरीके से पटना में बारिश लगातार पिछले 12 घंटे से हो रही है, पूरा कूड़ा सर रहा है और निगम कर्मियों के हड़ताल का सीधा असर देखने को मिल रहा है। पटना में कई स्थानों पर कूड़े के अंबार हैं, हालांकि नगर निगम प्रशासन दावा कर रहा है कि कहीं ना कहीं कूड़े साफ किए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, लेकिन हम जो आपको दिखा रहे हैं यह पटना से डाक बंगला चौराहा से आगे पटना जंक्शन गोलंबर के बीच जो चांदनी मार्केट है वहाँ का ये इलाका है जहाँ कूड़े का जगह जगह अंबार है। एग्जीबिशन रोड में अंबार है और अंबार लगा हुआ है और फिलहाल इस पूरे मामले में निश्चित तौर पर कहीं न कहीं लोगों की परेशानी बढ़ रही है। और पटना में जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, उस प्रकोप को देखते हुए शायद पानी बरसने के बाद अब यह कूड़ा सड़ने लगा है और कहीं न कहीं बीमारी फैलने की आशंका है। यह नज़ारा पटना के, कह सकते हैं कहीं न कहीं यहाँ का है, और पटना के डाकमंगला चौराहे से लेकर के सीधे तौर पर चांदनी मार्केट के बीच का है। तो पटना में अब शहर में असर दिखने लगा है और ये असर कूड़ा का दिखने लगा है। जगह जगह कूड़ा का अंबार लग गया है, पानी बरस रहा है कूड़ा के, कूड़ा में निश्चित तौर पर इसके सड़ने से कहीं ना कहीं कई बीमारियों को फैलने का आशंका, खास करके डेंगू का जो प्रकोप है पटना में बढ़ता जा रहा है। तो अब नगर निगम के कर्मचारियों के हड़ताल का असर शहरों पर दिखने लगा है, जगह जगह कूड़े का अंबार लग गया है। सहयोगी श्याम के साथ मुर्गबालम कशिश पटना।